हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक वापस एक कंपनी के बारे में। एंड अगर मैं यहां पे बात करूं तो डेफिनेटली आप लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। हालांकि ये डिसीजन कम्प्लीटली आप ही का रहेगा कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए, बट कुछ पैरामीटर्स मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करें। जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर्स हैं, बट जो सच है वो सच है और जो सच नहीं है उसको हम लोग सच नहीं कहेंगे। सो, वैसे आप लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद कुछ पैरामीटर्स को ज़रूर देखना होता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंपनी के रिजल्ट कैसे चल रहे, बैलेंस शीट में कोई बदलाव तो नहीं आ रहे। तो इसी कंपनी के शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो ज़रूर आप लोगों ने ये चेक करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे ज़रूर लगता है। एंड उसके बाद आप लोग अपना डिसीजन यहाँ पे ज़रूर ले सकते हो कि आप चाहो तो यहाँ पे और ख़रीद सकते हो, या फिर होल्ड कर सकते हो, या फिर एग्जिट भी हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कौन से पैरामीटर्स है वो हम लोगों को यहाँ पे चेक करने एंड किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, मतलब आप समझ सकते हो इंडेक्स वाला स्टॉक है। सो बहुत सारे लोगों के जो पसंदीदा स्टॉक होते हैं वो इंडेक्स वाले होते हैं, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुछ इंडेक्स वाले स्टॉक ऐसे भी रहते हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते एंड बाद में शायद से उनको इंडेक्स में भी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, 6 से 7 क्राइटेरिया रहते हैं अगर आपको निफ्टी 50 में एंट्री लेना है तो। एंड वो एंट्री लेने के बाद भी ये 6 से 7 क्राइटेरिया है वो कंसिस्टेंटली फुलफिल रखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार एंट्री ले लिया तो काम हो गया। तो यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो फिलहाल अच्छा खासा नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें, पहले कंपनी लार्ज कैप हुआ करती थी, अभी मिड कैप देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट भी अगर हम लोग देखें, प्रॉफिट में जंप तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को जरूर मिल रहा है, बट नेट सेल्स में हम लोग को भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 वाला स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म के जर्नी में भी लोगों का बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान कर रही है। मतलब 10 साल होल्ड करने वाले को भी सिर्फ 15% मिल रहे हैं, 5 साल होल्ड करने वाले नेगेटिव रिटर्न के साथ चल रहे हैं। सो टेम्पररी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कौन से रिटर्न्स है, ये शॉर्ट टर्म रिटर्न है, 3 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर तो यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स यहाँ पे होल्ड करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। सो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे मुझे 1 महीने में 3 महीने में इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए है तो इसको मैं और लंबा होल्ड करूंगा, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने रिव्यू करना चाहिए इस कंपनी के रिलेटेड, क्योंकि बाकी के परफॉर्मेंस के मुताबिक अगर हम लोग देखें लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी बाद में लॉन्ग रेंज जर्नी में आप लोगों को नीचे लेके आ सकती है। क्या ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि कंपनी मैंने इससे पहले बहुत बार वीडियोज़ बनाए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपको डिसलाइक क्यों ज़्यादा मिलते हैं। देखिए, जो शेयर हमेशा गिरते ना वो न्यूज़ चैनल के ऊपर ज़्यादा दिखाए जाते हैं, क्योंकि रिटेल निवेशक वहाँ पे एंटर करें एंड रिटेल निवेशक एंटर करने के बाद उनको एक ही चीज़ होती है कि अच्छा सुनने को मिलना चाहिए। ये इस दौर से मैं खुद भी जा चुका हूँ, आप सब भी जा चुके होंगे, जो शेयर्स आप लोगों ने एंटर किया है उसके बारे में अच्छा सुनना आपको पसंद है, बट जो सच है वो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। एंड इस शेयर के बारे में मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, ये कंपनी कभी भी आ सकती है। मेजॉरिटी स्टेक फॉरेन निवेशकों के पास है। कितने शेयर्स गिरवी है, तो 20% से ज़्यादा के शेयर्स हम लोग को गिरवी देखने को मिल रहे हैं प्रमोटर के। म्यूचुअल फंड 3.5% की होल्डिंग है, फॉरेन निवेशक 67% की होल्डिंग रखते हैं। तो अभी आप चाहो तो भरोसा रख सकते हो कि फॉरेन निवेशक इतनी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, मतलब कंपनी में कुछ हो सकता है। तो डेमो के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा, येस बैंक में भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पहले फॉरेन निवेशकों की ही थी। तो ऐसे कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों, ऐसा कोई रूल बुक नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एक सॉफ्टवेयर ही हम लोग बना लेते कि ये निवेश कर रहे हैं मतलब ज़बरदस्त कंपनी, ये निवेश नहीं कर रहे मतलब ख़राब कंपनी। तो याद रखना, ऐसी कोई बात नहीं होती, हर एक का अपना अपना एनालिसिस ज़रूर होता है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो 3.5% की होल्डिंग है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर यहाँ पे लगभग 4 से 4.5% तक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर के पास शेयर कितने देख लेना, सिर्फ 4%, मात्र 4% दोस्तों, कुछ भी नहीं, मतलब खुद प्रमोटर यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, देखिए बैंकिंग स्टॉक की बात अलग है, बैंकिंग स्टॉक में ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग नहीं रख सकते, ये रूल है, कुछ सेबी ने अलग अलग नियम बना के रखे, आप सभी लोगों को वो पता होनी चाहिए। फॉरेन निवेशकों ने हिस्सेदारी कम कर ली, म्यूचुअल फंड ने कम कर दी, इंश्योरेंस कंपनी ने कम कर दी, ज़्यादा नहीं किए बट स्लाइटली कम कर दिए। अदर डी एस एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हिस्सेदारी बढ़ा दी। अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब 2-2% की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे तो आप लोग समझ सकते हो कि इस वीडियो के ऊपर डिसलाइक्स क्यों आना शुरू हो जाएंगे।
दोस्तों अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सितंबर 19 में 22% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, उसमें से 96% प्रमोटर ने गिरवी रखा था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर सीधा गायब ही हो गए, मतलब सिर्फ 4% के आसपास, 4.87%, एंड उसमें से गिरवी कितना रखे थे, सिर्फ 18.5% के आसपास। 4.87 की भी बात आप लोग देख सकते हैं, 4.77 हो गया, उसमें भी 16% से ज़्यादा शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखे। एंड अभी आप लोग लेटेस्ट देखोगे प्रमोटर के होल्डिंग से में, बट वो 16% के भी शेयर गिरवी रखे, तो वो और गिरवी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है 20% के आसपास। सो ये पैरामीटर देख के आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा है? तो ये छोटा सा हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे इंश्योरेंस कंपनीज, तो इंश्योरेंस कंपनीज हो, म्यूचुअल फंड्स भी हो, यहाँ पे फिलहाल एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहले 1.15 था, 1.85 था, म्यूचुअल फंड की बात करें तो 6% थे, 5% थे। आप लोग देख लेना कैसे कम कम यहाँ पे होते जा रहे हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग देखोगे जहाँ पे 1.15 था, यहाँ पे 0.75 हो गया, जहाँ पे 6% था वहाँ पे 3.77% देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें रिटेल कैटेगरी, तो रिटेल कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते 3.3, 3.42 से लेके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2.99 से लेके अभी 4.68% हो चुके हैं। मतलब रिटेल निवेशक अभी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, प्रमोटर तो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि मैंने आप लोगों को 7 स्टेप सिखा के रखा है, अगर कोई शेयर में 96% प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी प्लेस करके रखा हुआ है, तो ऐसे शेयर में तो हम लोग वहीं से कट लेते हैं। तो ऐसा शेयर हमारे पोर्टफोलियो में तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा, ये मैं एक्सपेक्ट ज़रूर करता हूँ। कंपनी के नाम की बात करूँ तो जी एंटरटेनमेंट, यस बहुत बड़ी कंपनी है, एसएल ग्रुप तो बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें कोई डाउट संदेह नहीं है। बट कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके नाम के मुताबिक कंपनी अभी भी परफॉर्म नहीं कर रही, 175 के आसपास देखने को मिल रही है। रैली आ सकते हैं, प्रमोटर कुछ भी कर सकते हैं, आप सभी लोग पता है एफएनओ का स्टॉक है, तो यहाँ पे हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखोगे, 6 महीने का चार्ट पैटर्न में यहाँ पे गिरावट है, उसी के साथ साथ 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों में, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को यहाँ पे मल्टी बैगर करके भी बताया होगा और बुरी तरीके से बोला कि यहाँ पे फंस चुके हैं। अगर मेरा पुराना वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आएगा कि इस कंपनी से रिलेटेड मैं कब से बात कर रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। और डाउट वही था कि प्रमोटर अपनी शेयर हिस्सेदारी गिरवी रख रहे एंड बाद में 1.5 साल के बाद प्रमोटर आज खुद इस कंपनी को छोड़ के निकल चुके हैं। सो ऐसे कंपनी में कंटिन्यू करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप चाहो तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट इन इन्फॉर्मेशन को नज़रअंदाज मत कर लेना, इतना ही मेरा कहना है। डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, मैं गलत जा सकता हूँ, ये शेयर 170 के आसपास देखने को मिल रहा है, शायद से 300-400 भी जा सकता है, बट आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ऐसे इन्फॉर्मेशन को, इतना ही मेरा बताने का मकसद है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हरा निशानी देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे से जब से ये कंपनी में गिरावट हुई है वो बहुत ही तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कंपनी में कंटिन्यू रहने का एक बड़ा अगर कोई पैरामीटर होता है वो कंपनी के रिजल्ट होते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पे कंपनी के आज के दिन के रिजल्ट भी यहाँ पे देख लेते हो, तो आप लोग समझ सकते हो कि कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट नेट प्रॉफिट 95% यहाँ पे क्रैश हो चुका है, 29 करोड़। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू भी ड्रॉप हो चुके 64% के आसपास। सो ये थोड़ा सा हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जिस कंपनी में ऐसी सारी पैरामीटर्स अभी तक हम लोगों ने देख लिए, प्लेजिंग है, प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं, बैलेंस शीट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एंड रिजल्ट भी ऐसा देखने को मिल रहा है, सो टेम्पररी आप चाहो तो थोड़ा सा इस कंपनी से थोड़ा सा दूर रहोगे तो भी यहाँ पे चल सकता है। हालांकि वो डिसीजन आप ही के ऊपर रहेगा, हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी इस कंपनी से दूरी बना के रखी हुई है, मैंने कभी भी आप लोगों को इस कंपनी में एंटर करने की सलाह यहाँ पे नहीं दी। आप मेरा एक भी वीडियो अगर दिखा दोगे कि जी एंटरटेनमेंट में मैंने आपको कहा है कि एंटर करके रहना चाहिए, तो मतलब सिर्फ बता देना, मतलब ये पहले से मैं आप जानता हूँ कि ये कंपनी में फ़िलहाल यहाँ पे बैलेंस शीट के हिसाब से, सारे परफॉर्मेंस के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। रिजर्व्स की बात करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 7,000-7,500 के आसपास रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। अगर कर्जे की बात करें तो 90 लाख का कर्जा था, बाद में 1,70,00,000 का कर्जा, अभी 35 करोड़ का कर्जा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का कर्जा भी स्लाइटली यहाँ पे बढ़ रहा है, एंड मैं ज़रूर इसको हाईलाइट करूँगा। ऐसी बात नहीं है कि कर्जा बढ़ रहा है तो कंपनी खराब है, कर्जा भी बढ़ रहा है, बट साइड में अगर आप परफॉर्मेंस भी देखोगे कंपनी का, हम लोगों को डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मैं बात कर रहा हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो 1,000 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस था, बाद में 800 हो गया, अभी 400 हो गया। सो कुछ तो हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की एक डेफिनेशन होती है। आपको दिल से भी पता है ये उस टाइप का कंपनी फिलहाल तो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों इस कंपनी के बारे में, आप लोगों ने डिटेल
में थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए, जो सच है वो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हाई की बात करें तो ये 2019 के अगस्त में हाई लेवल पे था, आप लोग देख सकते हैं 376 का, उससे भी परे ये कंपनी जा चुकी है, बट तब से हम लोग को ये गिरावट देखने को मिल रही है। 18 अगस्त की बात करें तो केवल 10% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में भी अभी हम लोगों ने डेटा देख लिया था, मार्च 2020 का भी डेटा आप लोग देख सकते हो, माइनस में हम लोग को देखने को मिला था। अभी का जो डेटा है डेफिनेटली हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला है, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को आज भी 90%+ से गिरावट देखने को मिल रही है। सो कंपनी ने यहाँ पे और एक पैरामीटर जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ वो यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016, 17, 18, 19, 20 कंपनी ने डिविडेंड ज़रूर दिया, बट डिविडेंड का अमाउंट देखना, 2.25, 2.50, 2.90, 3.50, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अभी 2020 में कंपनी ने सिर्फ 30 पैसे का डिविडेंड दिया है। बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ऐसी कंपनी जहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट हम लोगों को डिमिनिश होते हुए देखने को मिल रहा है, नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, आप लोगों ने प्रिकॉशंस यहाँ पे ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए। सो इतने सारे पैरामीटर्स आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं, सो आप लोग ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते, फर्दर स्टडी कर सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ, प्रमोटर की होल्डिंग में भी 20% के शेयर्स क्या है यहाँ पे गिर गए, जो कि पहले 16% के आसपास थे। सो इतने पैरामीटर्स देखने के बाद मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं बनता है कि इस कंपनी में एंटर करूँ, चाहे ये कंपनी 500 तक क्यों ना जाए, क्योंकि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस को हम लोगों ने रिस्पेक्ट देना चाहिए, एंड यही तो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। एंड जैसे मैं कहता हूँ आप लोगों को कि 7000 से भी ज़्यादा कंपनी है NSE BSE जोड़कर, तो ऐसे कंपनीज के पैरामीटर अगर आप लोगों को दिख रहे हैं तो क्यों ऐसी ही कंपनी को पिक करना है आपको। अगर आपको पसंद है तो आप लोग ज़रूर कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट इतना मैंने आपको को सीखा है, जो कि एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है, ये बहुत डीप होती है, बट एक आप ऊपर ऊपर से भी ये सारी चीज़ें देखते हो ना तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इस कंपनी में रहना चाहिए या नहीं। एंड इस कंपनी में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 400 से मैं आपको बता रहा हूँ 350 पे आ गया, 300 पे आ गया, 250 पे आ गया, 200 पे आ गया, यही मैं बात बता रहा हूँ कि फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहे हैं। कल ये कंपनी में मैं खुद एंटर करूंगा अगर ये कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा देती है, रिजल्ट अच्छा लाती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, खुद प्रमोटर ही अपनी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे, तो शायद से आप लोगों ने भी इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं था, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फाइनल डिसीजन आप ही करेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो या फिर आप एग्जिट भी कर सकते हो, बट इन पैरामीटर्स को आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि सिर्फ मैंने निवेश किया मतलब ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो होना है हो जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छे कंपनीज डूब चुकी है, सो आप लोगों ने ज़रूर इनके ऊपर फोकस रखना चाहिए। मैं ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस देख के आप लोगों के सामने ये डेटा प्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। इससे पहले भी अगर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा रिजल्ट, कंपनी के अर्लियर रिजल्ट देख लेना कैसे लाल निशान में है। सो ये ज़रूर एक बार कंसिडर कर लेना, उसके बाद डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी इन कंपनी के बारे में पता चल जाए कि ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स में रहने वाली हर एक कंपनी में आप लोगों ने निवेश करे तो आप लोगों को रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होती है। कोई तो 2 कंपनी ऐसी होती है जो कि इंडेक्स से निकाली जाती है, और ऐसी 2 कंपनी होती है जिसको एंट्री मिल जाती है। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।